नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्राम पंचायत छीमक में इन दिनों साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि ग्रामीण लोग हो रहे हैं बीमार। कई दिनों से नालियों का कचरा नहीं निकाला गया, सड़क किनारे लगे हैं कचरे के ढेर, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि जरा सी हवा चलने पर घरों के अंदर गंदा कचरा चला रहा है, जो कि खाने के अलावा पानी से उड़कर पहुंच जाता है और इससे ग्रामीण लोग हो रहे हैं बीमार। पास में ही आयुर्वेदिक अस्पताल और उपस्वास्थ्य केंद्र के सामने बड़े बड़े गंदगी के ढेर लगे हैं, जिनको पंचायत द्वारा उठाया नहीं जा रहा है। ग्रामीण लोगों का कहना है कि इसको हटाया जाए और कई बार ग्राम के लोगों ने सरपंच से बोला भी। सरपंच महेंद्र सिंह का कहना है कि बाजार से सचिव कौशल गुर्जर के द्वारा 100 रुपए सफाई के नाम पर वसूले गए हैं। इसके विषय में सचिव कौशल गुर्जर ही बता सकता है, जबकि सचिव कई दिनों से पंचायत में उपस्थित नहीं हुए हैं। सचिव आने पर कचरा हटाया जाएगा। छीमक से संवाददाता वीरेंद्र पराशर की खास रिपोर्ट। मैं कथियाराम साहू, कहाँ के रहने वाले हो? क्या ये गंदगी पड़ी है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? गंदगी साहब बहुत समय से पड़ी हुई है, इसको उठवा नहीं रहे कोई। और बता रहे हैं कि 100 रुपये चार्ज ले रहे हैं दुकान से? दुकान से 100 रुपये चार्ज इकट्ठा किया है, कुछ दुकानों से लिया भी नहीं है। किस विषय में लिया है? सफाई के लिए, मतलब झाड़ू। हाँ, कचरा उठेगा। हाँ, पर डे झाड़ू लगेगी। हाँ, पर नियम है, झाड़ू लग रही है? नहीं, अभी तो किया है उन्होंने, 5-7 दिन हुए तब ले रहे हैं। हाँ, जब से झाड़ू लगी है? झाड़ू तो लग गई, कचरा नहीं होता। अच्छा, किस चीज़ का कचरा है? दुकानों का, नालियों का निकलता है, नालियों का वो है कचरा। कितने दिन से पड़ा है नाली का कचरा? 15-20 दिन हो चले। 20 दिन से तो गंदगी फैल रही है।